हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय चैनल। और कैसे हैं आप लोग? मैं भगवान से प्रेयर करूंगी कि आप सब लोग बहुत अच्छे हो। और ये मैं यहाँ स्कूटी की पूजा करने लग रही हूँ। एक्चुअली भैया नाइट में ये स्कूटी लेके आए थे, तो मैंने बोला कि नहीं, मैं नाइट में तो नहीं पूजा करूँगी, मॉर्निंग में पूजा कर लूँगी। तो मैं वही पूजा कर रही हूँ। क्या है ना कि कोई अगर घर में जैसे कोई आइटम लाते हैं तो पूजा की जाती है ना, तो इसीलिए मैं ये पूजा कर रही हूँ। इसलिए भाभी बोल रहे थे कि मुझे स्कूटी चलानी है, मुझे स्कूटी चलानी है, तो इसीलिए स्कूटी ले आए। क्योंकि मुझे तो डर लगता है, मैं तो नहीं चला सकती, मुझे नहीं लगता कि चलाऊंगी कि नहीं, तो मुझे तो डर लगता है। बट भाभी को थोड़ी बहुत आती है, और जो मयंक है वो भी चला लेता है, तो इसीलिए लेके आए ताकि और अच्छी प्रैक्टिस हो जाए। फ्रेंड्स, मैंने तो कर ली, और अब मैं एंजल से करवा रही हूँ। मैंने कहा एंजल से भी टीका करवा देती हूँ, क्योंकि कहते हैं ना कोई भी आइटम लाते हैं तो घर की लड़कियों से पूजा करवाई जाती है, तो हमारे घर में हम दोनों ही हैं, तो इसी वजह से मैंने पूजा करी। तो मैंने कहा मैं एंजल से भी पूजा करवा लेती हूँ, टीका वगैरह करवा देती हूँ। फ्रेंड्स, मैं अपने कपड़े पड़े जो हैं वो मैं देखो टांग रखे, मैंने धो रखे हैं और धो के टांग दिए थे। और हमारी पूजा हो चुकी है, और एंजल है जो वो अपने हाथों को बार बार देख रही है, क्योंकि उसके हाथों में जो सिंदूर लगा हुआ है। और फ्रेंड्स, अब मैं ये किचन में आ चुकी हूँ और चाय बना रही हूँ। एक्चुअली ब्रेकफास्ट करने का टाइम हो चुका है, तो मैंने सोचा कि ब्रेकफास्ट के साथ साथ चाय भी बना लेती हूँ, ताकि क्योंकि मुझे ना जैसे ब्रेकफास्ट करते समय चाय पीना बहुत अच्छा लगता है। और मैं साथ ही साथ इस चाय में उबाल भी आ चुकी है, यानी मेरी ये जो चाय है वो बन चुकी है, बस अब इसे छानने की देरी है। तो अब हम इसे चलते हैं इन कपों में छान लेते हैं। और साथ ही जो ये क्या कहते हैं ब्रेकफास्ट रखा हुआ है, ये मेरी मम्मी के लिए मैंने निकाला है। मैं सोची हूँ कि मम्मी को जो ये ब्रेकफास्ट के साथ साथ चाय दे दूँ। फ्रेंड्स, ये जो ब्रेकफास्ट है वो मेरी मम्मी का ब्रेकफास्ट है, और ये मेरा ब्रेकफास्ट है। तो मेरा और मम्मी के ब्रेकफास्ट में देखो कितना डिफरेंस है। एक्चुअली मम्मी एवरीडे ऐसा ही सिंपल जो है ब्रेकफास्ट लेती है, उन्हें ऑयली वाला ब्रेकफास्ट पसंद नहीं है। गुड इवनिंग फ्रेंड्स, एक्चुअली इवनिंग का टाइम हो चुका है, और अब मैं दोबारा से जो है कि वो किचन में आ चुकी हूँ। और आज मैं ढोकला बनाने वाली हूँ, तो उसी की जो है वो मैं तैयारी कर रही हूँ। जो ये बेसन है वो मैंने छान लिया है, और अब मैं उसका बैटर बनाने के लिए बर्तन में डाल रही हूँ। एक्चुअली छानने छानी थी, तो इसलिए मैं इसे थाली में जो है उसे मैंने इसे छाना था, और अब घोल तैयार करने के लिए दूसरे बर्तन में डाली हूँ। और साथ ही साथ मैं इसमें नमक और थोड़ी सी हल्दी भी डाल दी हूँ। हल्दी ज़्यादा नहीं डाली हूँ, बिल्कुल थोड़ी सी डाली हूँ। और इसमें आधा मैंने जो है वो नींबू का रस डाल रही हूँ। फ्रेंड, जो ये बैटर है ना, इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल के मैं इसका घोल तैयार कर रही हूँ, ताकि जो इसके अंदर वो जो गुठलियाँ सी रह जाती है वो ना रहे। फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट भी कीजिए।
और फ्रेंड्स ये जो मेरा बैटर है वो तैयार हो गया है, तो मैं इसे ऐसे ढक के रख देती हूँ 1 घंटे के लिए। और अब मैं बाहर आ चुकी हूँ, आप खुद ही देख लीजिए इवनिंग का व्यू कैसा है। और ये मेरी मम्मी, भैया और भाभी खड़े हैं, तो मैं भी यहाँ थोड़ी देर आके खड़ी होगी। मैं कहा चलो मैं भी थोड़ी देर खड़ी हो लेती हूँ। और ये भाभी जो है वो स्कूटी चलाना सीख रहे हैं, वैसे हल्की फुल्की उनको आती है, अभी पूरी अच्छे से नहीं आती है, तो वही सीख रहे हैं। भैया पीछे बैठे हैं ताकि भाभी गिरे उरे ना। और फ्रेंड्स 1 घंटा हो चुका है तो मैं वापस से किचन में आ गई हूँ। और ये मैं घोल के अंदर जो इनो डाल रही हूँ, और इनो डालने के बाद ना कभी भी उसे एक ही सर्कल में चलाएं, कभी भी मतलब ऐसा नहीं हो कि एक बार इधर चला दे एक बार इधर चला दे, नहीं ऐसा नहीं। जब भी इनो डालें आप ना तो एक ही सर्कल में से चलाना, इससे ना जो जो हमारा ढोकला काफी स्पंजी बनेगा, उसमें जो खमीर होंगे वो अच्छे से आ जाएंगी। और आप खुद भी देखना मेरी जो ये जो मैं ढोकला बनाई, उसे देखना कितना स्पंजी बना हुआ है। और फ्रेंड्स प्लीज इस वीडियो को स्किप मत कीजिए, पूरी देखिए। फ्रेंड्स अब ये मैं जो ऑयल है वो मैं इस बर्तन में लगा लेती हूँ। और एक्चुअली क्या है, ये जो ऑयल है मैं अपने हाथों से लगा रही हूँ क्योंकि मेरे पास ब्रश नहीं है। अगर आपके पास ब्रश हो तो आप ब्रश का भी यूज कर सकते हैं। और ये गैस पे मैंने जो भगोना रखा है, इसमें पानी रखा हुआ है गर्म होने के लिए। इसी बर्तन में मैं जो घोल का जो बर्तन है, बेसन का जो घोल है, इसी में रखने वाली हूँ। फिर जिस बर्तन में मैंने घोल डाला है उस बर्तन को मैंने अच्छे से टैप भी कर दिया है ताकि इसके अंदर जो बबल्स होंगे वो ऊपर आ जाएंगे और उसमें जो गांठें नहीं रहेगी, तो इसीलिए मैंने इसे टैप कर दिया है। और साथ ही अब ये मेरा पानी जो है वो गर्म हो गया, और इसमें मैं ये घोल वाला बर्तन रख देती हूँ। और इसके ऊपर मैं एक प्लेट रख देती हूँ ताकि स्टीम के साथ मेरा जो ढोकला है वो बन जाए। और ढकने के बाद मैं इसे ना कम 20 मिनट ऐसे ही रहने दूंगी। फ्रेंड्स अब मैं ये ढोकले पे डालने के लिए पानी तैयार कर लेती हूँ। इसमें मैं डालूंगी करी पत्ता, जो मस्टर्ड जो सीड्स होते हैं वो, और थोड़ी सी चीनी, थोड़ा सा लेमन, जो लेमन जूस होता है वो, ये सब डाल के तड़का लगाऊंगी।
फ्रेंड्स मेरा ढोकला देखो तैयार हो गया है, वो सामने रखा हुआ आप देख भी रहे हो, कितना देखने में अच्छा लग रहा है, उसका कलर कितना अच्छा आया हुआ है। और ये जो पानी है वो भी मेरा तैयार हो चुका है, तो मैं इसे अब दूसरे बर्तन में निकाल लेती हूँ। देखो फ्रेंड्स कितना अच्छा लग रहा है ये देखने में। और अब इसे मैं ना कट कर लेती हूँ, साथ ही साथ अभी गर्म है बट इसे मैं फटाफट कट कर लेती हूँ। देखो कितना मतलब सॉफ्ट है, इतना अच्छे से कट रहा है, इतना स्पंजी है, बहुत ही इजीली कट जा रहा है ये, काफी अच्छा बना हुआ है, बहुत बहुत ही ज्यादा स्पंजी बना हुआ है। और इसका कलर भी काफी अच्छा हुआ आया हुआ है, जैसा मतलब मुझे चाहिए था वैसा ही आया हुआ है। फ्रेंड्स इसके ऊपर अब मैं ये जो पानी है बनाया था वो मैं डाल लेती हूँ, और ये पूरा पानी नहीं डालूंगी, आधा डालूंगी, और उसके बाद जब ये ठंडा हो जाएगा फिर मैं उसके बाद फिर वो डालूंगी, क्योंकि जो ये ढोकला है वो जो पानी है उसको काफी ऑब्जर्व करता है, तो इसलिए मैं इसमें आधा पानी डालूंगी, आधा बाद में डालूंगी। फ्रेंड्स मैंने ढोकला सर्व कर लिया है, और आइए आप भी खा लीजिए और बताइए कि ढोकला कैसा लगा। और मैं खा लेती हूँ जब तक, काफी स्पंजी बना था, सब कह रहे नहीं बहुत अच्छा बना है, आप एक बार ऐसा बना के देखिए, काफी स्पंजी बनेगा, अच्छा भी बनेगा। और मैं अपना जो ब्लॉग है वो इसी के साथ एंड करती हूँ, आज के ब्लॉग में बस इतना ही। और सानू कह रहा है कि जो मेरा कजन मयंक है, एक्चुअली उसका निकनेम सानू है तो सानू ही नाम आता है, तो मयंक कह रहा है कि कपकेक बनाओ, तो मैंने कहा ठीक है बना दूंगी, एक दिन कपकेक भी बनाऊंगी। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट ब्लॉग में, जब तक के लिए बाय बाय।